इज्जत से सड़क तक, गांव की गली कूचे से हर शहर तक, दंगे होते नहीं दंगे कराए जाते हैं। सत्ता के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए, इसलिए हम रखते हैं हर हलचल पर नजर। कुर्सी पर बैठने वालों को बताते हैं जमीन की अहमियत, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, क्योंकि हम हैं इंडिया तेजस्वी खबर। आप देख रहे हैं इंडिया तेजस्वी खबर, न डरते हैं न डराते हैं, सच सामने लाते हैं। कल बसंत बिहार कॉलोनी में एक गोलीकांड के आरोपी पर प्रशासन की कार्यवाही के चलते प्रशासन द्वारा कल शाम करीब 5 बजे आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर घर को पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही के लिए ब्रह्मकुंडी स्थित आरोपी के घर को तोड़ने के लिए नगरपालिका का अमला धार पर पुलिस प्रशासन सहित SDM दीपाश्री गुप्ता और धार कोतवाली TI दीपक चौहान पुलिस बल के साथ पहुंचे। मौके पर आपको बता दें कि धार की बसंत विहार कॉलोनी में रह रही पूजा चौहान को ब्रह्मकुंडी निवासी दीपक राठौड़ ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार हो गया था, जिसकी जाँच में पुलिस जुटी हुई है। मकान तोड़ने की कार्यवाही में ASP मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी का घर अवैध रूप से बनाया गया है और साथ ही जो कल घटना हुई है उसमें आरोपी दीपक राठौड़ पूजा चौहान से प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। 12 घंटे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस टीम पर किया 3 फायर, जब में पुलिस ने किया 4 फायर, एक गोली आरोपी के पैर में लगी। आरोपी का उपचार जिला भोज चिकित्सालय धार हॉस्पिटल में चल रहा है। ASP मनोज कुमार सिंह पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पुलिस बराबर कर रही है, ऐसी भी होगी कार्रवाई। ठीक है, थैंक यू। संवाददाता समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।